अभी जो रात का समय में जो स्विच बत्ती जो बल्ब लगा हुआ है वो जल रहा है, आगे का लूप 3 तला मकान 2 कटा में बना हुआ। तो बस दोस्तों ये आप सभी को देख फुल डिटेल में अंदर से पूरा घूम कर जो है अपने घर को जो है टूर कराएंगे, कितना खर्चा हुआ इस घर को बनाने में, कितना खर्चा नहीं हुआ सब। चलिए इसको जलाते हैं भाई, दिखाना अच्छा से दिखाना और आवाज। तो अभी ये उड़ रहा नहीं भाई, इसको अच्छा से उड़ाना पड़ेगा, अब उड़ जाएगा भाई। वाओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, उड़। स्वागत करता हूं आप सभी का राज रोशन व्लॉग्स में। सो दोस्तों अभी अगर मैं टाइम का बात करूं तो दोस्तों टाइम आप लोग देख सकते हो रात के 11:53 हो रहे हैं, मतलब लगभग भाई 12 बजने वाले हैं। सो दोस्तों 12 बजे मैं अभी मतलब समझो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली, आज है भैया दिवाली और शाम के टाइम में मतलब मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया काफ़ी ज़्यादा भैया जी मतलब थोड़ा इधर उधर काम में बिजी होने की वजह से, जैसे कि आपको पता है दिवाली तो भैया काम में रहेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का जो है कमेंट आ रहा था कि भैया आप जो है अपने घर के ऊपर जो है वीडियो बनाइए और आप अपने घर को दिखाइए, क्योंकि मैंने मेरा एक और ही पहले यूट्यूब चैनल था, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं अपने घर का जो है टूर किया था उस वीडियो में, लगभग उस चैनल में 2 ही वीडियो आया था, फिर उस चैनल भी मैं डिलीट कर दिया था। उसके बाद ये राज रोशन व्लॉग्स जो आप लोग ये चैनल देख रहे हो, ये चैनल फाइनली मेरा खड़ा हुआ और बहुत आगे मुकाम तक गया। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था जो पुराने सब्सक्राइबर हैं कि भैया जी आप अपने घर के ऊपर जो है वीडियो लाइए। तो फाइनली दोस्तों थोड़ा सा मेरा इस दिवाली के अवसर पर जो है हमारा घर जो है सजा हुआ है सीजबत्ती बल्ब से, तो हम आप सभी को आज की इस वीडियो में यही दोस्तों दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फ्रंट फेस का अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक साइड में पेड़ लगा हुआ है, दूसरा पेड़ जो है इस साइड लगा हुआ है, पहला पेड़ जो है ये उड़हुल का है, दूसरा पेड़ जो है कनेल का है, बीच में जो है यहाँ पर दोस्तों छोटा सा एक गेट लगा हुआ है और ये बाउंड्री आप लोग देख सकते हो और बाउंड्री तो आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों। अब आप लोग जो है इसके ऊपर का लुक चेकअप करो, ये जो है हमारा 3 तला ये मकान जो है और इसका आगे का जो लुक है इंटरफेस जो है काफ़ी ज़्यादा भैया जी बेहतरीन बनाया गया है। अगर मैं दिन में बात करूँ, मैं फोटो भी अटैच कर दूंगा दिन में जो है ये देखने में कैसा लगता है, तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे होंगे कि दिन में जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि पुराने ज़माने का राजा महाराजाओं का जो महल हुआ करता था उस तरीके का ये हमारा घर का जो है आगे का जो है डिज़ाइन है, जो इंटरफेस है ये पापा मतलब दिए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ सीन है ये हमारे घर का और आगे में जो है स्विच बत्ती बल्ब लगा हुआ है, तो देख सकते हो इसका आगे का जो लुक है कितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये स्विच बत्ती बल्ब अगर नहीं भी रहता है ना तो आगे का जो इसका लुक है ना वो भी ऐसे भी मतलब बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है। फोटो आप लोगों को साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगा तो वीडियो भी आप लोग देख लेना। सो दोस्तों ये जो है ये बाउंड्री देखो, वहाँ से ये बाउंड्री स्टार्ट होता है और वहाँ से लेकर और उस कोना तक ये बाउंड्री जो है स्टार्ट होता है और ये बाउंड्री में देखिए एक एक जो है यहाँ पर 5-5 फीट की दूरी पे जो है लाइट लगाया गया है और ये सभी लाइट ऐसा नहीं है कि अभी दीपावली है तो हम लोग लगाए हुए हैं, ये एनी टाइम मतलब ये जलते रहता है, मतलब शाम के टाइम पर एनी टाइम ये जलते रहता है। और यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे मतलब कि गमला भी जो है लगाया गया है आगे में आप लोग देख सकते हो, ताकि आगे का जो लुक है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिख सके हमें। और देखिए ये आगे में जो ये मार्बल का ये भी जो है फिनिशिंग वगैरह जो है दिया गया है और ऐसे ऐसे कई सारे यहाँ पर जो है पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तो दोस्तों आगे का ये जो है लुक है ये मैं सिर्फ आप सभी को ये घर का मैं आगे का लुक दिखा रहा हूँ, रात है उतना अच्छा सा शायद आपको नहीं दिख पाए लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो गेट आप लोग इतना बड़ा सा देख रहे हो तो ये सोच रहे हो आप लोग कि ये क्या है, तो भैया जी मैं आपको बता दूँ कि ये गैरेज का ये हमारा ये गेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, दिन में अगर आप लोग देखो तो और ज़्यादा बेहतरीन है। फिलहाल मैं रात को ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज है दिवाली, तो दिवाली में लाइट वाइट थोड़ा जगमगाएगा तो मज़ा आएगा, इसी की वजह से जो है हम आप सभी को दिखा रहे हैं। देखिए ये गैरेज है, गैरेज जो है भैया अंदर में जो है मतलब फिनिशिंग नहीं हुआ है, फिनिशिंग नहीं होने की वजह से जो है उतना अच्छा आप सभी को वीडियो में देखने को नहीं मिला होगा, मतलब प्लास्टर वगैरह जो है नहीं हुआ है। और यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग का सभी का गाड़ी वगैरह लगा हुआ है, उधर भाई लोग का जो है साइकिल लगा हुआ है। तो दोस्तों ये एक गैराज था और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से जो है आगे क्यों निकलेंगे, और देखिए इधर मस्त अपना शेरू जो है टहल रहा है भाई, अभी ऊपर से जो है नीचे इसको ले आए हैं थोड़ा घुमाने फिराने के लिए। और टाइम अगर देखिए 12 बजने वाले हैं, मात्र भाई 3 मिनट यहाँ पे बचे हुए, यहाँ पे मस्त शेरू को घुमाते हुए। तो यहाँ पर आइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो गेट है ना देखिए ये गेट जो है लगा रहता है, यहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ पर ये गेट है ये घर का, ये भी एक गेट है जो कि ऐसे लगा रहता है, फिलहाल अभी खोले हुए हैं। आज ये दिवाली अभी रात के समय में भैया जी हम लोग जो पटाखा वगैरह जो है छोड़ रहे हैं भाई लोग, और ये बड़ा सा ये मतलब देख सकते हो यही है वो गली है दोस्तों, और यहाँ पर भी जो हम लोग ऊपर में जो गोल गोल मस्त लाइट लगाए हुए हैं और देख सकते हैं कि एक गेट यहाँ पर है, यहाँ से जो है अंदर एंट्री हम लोग करते हैं मेन। थोड़ा सा मैं खोल कर दिखा देता हूँ, अब पूरा घर के ऊपर जो है दोस्तों वीडियो मैं अभी नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और चलिए थोड़ा सा इधर आते हैं हम लोग, तो दोस्तों जब हम लोग दूसरे साइड जब आएंगे तो दूसरे साइड का दोस्तों आप लोग गेट का लुक चेकआउट कर सकते हो। ये दूसरा गेट है जो कि मतलब ये भी मतलब ऐसे जो है लगा रहता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा, ज़्यादा ये खुलता नहीं है इस साइड का, हम लोग रहते हैं उस साइड में ना तो उधर का ज़्यादा खुलते हैं तो उधर का फ्री है, देखिए इधर का ये बहुत ज़्यादा टाइट है भाई। तो इधर कुछ आगे का सीन दोस्तों ऐसा है, चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर बात करते हैं।
सभी को, बस आगे का जो इंटरफेस दिखाया हूँ मैं अपने घर का, और भी मतलब अगर बात किया जाए कि अगर डिटेल में, तो दोस्तों मैं डिटेल में आप सभी को दिखाया भी नहीं हूँ। आगे में जो जो डिज़ाइन कटे हुए हैं, किस तरह से डिज़ाइन है, किस तरह से डिज़ाइन नहीं है, बस अभी जो रात का समय में जो स्विच बत्ती जो बल्ब लगा हुआ है वो जल रहा है। आगे का लुक, तीन तला मकान दो कटा में बना हुआ, तो बस दोस्तों ये आप सभी को दिखा रहा हूँ मैं। पूरा वीडियो मैं कभी और अच्छे से कवर करूंगा, अगर इस वीडियो पर अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा जाता है तो पूरा फुल डिटेल में अंदर से पूरा घूम कर जो है अपने घर को जो है टूर कराएंगे, कितना खर्चा हुआ इस घर को बनाने में, कितना खर्चा नहीं हुआ, सब बताऊंगा दोस्तों। अगर इस वीडियो पर अगर प्यार सपोर्ट अगर आप सभी का अगर अच्छा देखने को मिलता है तो चलिए फिलहाल भी भाई लोगों के साथ पटाखा वगैरह छोड़ते हैं, वीडियो में बने रहिए, मजा आएगा। तो दोस्तों अभी हमने आप सभी को अपना घर का वीडियो दिखाया, और अभी फिलहाल मैं भाई लोग के साथ अभी मस्त अभी आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये रहा कल्लू, और यहाँ पर रितेश है, तो यहाँ पर ये रहा सुमित, मस्त यहाँ पे कुर्ता उर्ता पहना हुआ है, हाथ में लिया हुआ है बिड़िया पटाखा जो कि लड़का में छोड़ता था, सियाना वाला पर भी यही छोड़ रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, मेरे हाथ में भी बुलेट है, मतलब कोई बड़ा पटाखा नहीं, हम लोग नॉर्मल इस पर ले लिए हैं जल्दी जल्दी में। फिलहाल अभी हम लोग जो इसको छोड़ने वाले हैं, इसको जो छोड़ने वाले हैं थोड़ा सा मतलब यूनिक तरीका से जो दोस्तों इस पर छोड़ने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ये मिक्सचर मशीन है जो कि जब घर बनता है तो सीमेंट जब बनता है ना तो इसी में गोल गोल बनता है भैया, इसमें ना चलना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा बालू सीमेंट गिट्टी छड़। तो अभी हम जो है इसको छोड़ने वाले हैं इसके अंदर, इसमें जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब गूंज रहा है, थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। हेलो, देखिए पूरा धुआं धुआं कर दिया है सब छोड़कर। तो इसके अंदर जो है अभी हम इस बुलेट बम को जो है छोड़ने वाले हैं, यहाँ पर रख दिए हैं, और ये जब फटेगा ना तो इसका आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको जलाते हैं, वैसे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग देख लेंगे, इंस्टाग्राम पर मैं पहले ही डाल दिया हूँ। चलिए इसको जलाते हैं भाई, दिखाना अच्छा से दिखाना, और आवाज़ सभी ने जो देखा कि अभी इसका जो है साउंड है कितना तगड़ा किया है, देखिए इसमें से धुआं भी भैया जी काफी अच्छा निकल रहा है, बहुत भयंकर सी। टिकट नंबर पे जो है कल्लू छोड़ा, गजब आवाज कर रहा है भाई, तो यहाँ पर सुमी जो है ये वाला बम जो है यहाँ पर छोड़ रहा है, देखिए उसमें डाल कर है भाई, सीमेंट वाला मिक्सचर बड़ी भयंकर आवाज करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कल्लू हाथ में मस्त यहाँ पे बुलेट लिया हुआ है बहुत सारा, अभी मतलब हमको लगा कि खत्म हो गया है लेकिन अभी ये इसके पास है। इधर अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लाइट लैंप जो है अभी आकाश में उड़ाने वाले हैं, एक जो है हमने बहुत ऊपर तक उड़ाया, पूरा मेरे घर के ऊपर बहुत आकाश में मतलब खिला है, वो इंस्टाग्राम पे आप सभी देख लिए होंगे ऑलरेडी, मैं पहले इंस्टाग्राम पे भैया जी उसको रील में डाल दिया हूँ, ये मैं ब्लॉग के लिए ये सीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग जो है लाइट लैंप को जो है उड़ाने वाले हैं, यहाँ पे नीचे से जो है कल्लू और रितेश जो है भैया मस्त यहाँ पे हवा भर रहा है, मतलब सॉरी जला रहा है, वो जलेगा फिर इसमें जो है एयर बनेगा, उसके बाद ये जो है हवा में उड़ेगा, तो मस्त भैया जी उड़ेगा, देखते हैं इस बार ये वाला सक्सेसफुल मिशन रहता है कि नहीं। इंस्टाग्राम के लिए जो बनाए थे वो तो भैया जी सक्सेसफुल रहा, देखिए ये जो है आग नीचे से जो है जल चुका है, अभी इसमें जो है एयर बनने लगा है, तो ठीक है ये जैसे ही एयर बनने लगेगा और मेरे को जब लगेगा कि हाँ ये अब उड़ने वाला है तो मैं फिर इसको जो है छोड़ दूंगा। हवा का डायरेक्शन बस घर की तरफ ना हो, नहीं तो घर के बिल्डिंग में जो है हमारा टकरा जाएगा भाई। देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है जल चुका है, और धीरे धीरे इसको छोड़ के कोशिश करेंगे ये उड़ता है कि नहीं, जल गया अच्छा से। तो दोस्तों अभी ये उड़ रहा नहीं भाई, इसको अच्छा से उड़ाना पड़ेगा, अब उड़ जाएगा भाई, वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है, उड़ जा भाई, अरे यहीं लटक गया यार। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर उड़ चुका है भाई हमारा लाइट लैंप, और देखते हैं ये कितना ऊपर तक जाता है, इससे पहले वाला तो काफी ऊपर तक गया था। तो दोस्तों ये भी जो है काफी ज्यादा ऊपर तक चला गया, देखिए घर का जो हाइट है ये मतलब तीन तल्ले मकान है, और इसके ऊपर देखिए काफी ऊपर चला गया भाई, ये भी मतलब इसका भी मिशन जो है सक्सेसफुल रहा ये उड़ने का। धुआं धुआं कैमरामैन बना दिया कि लोग।
तो दोस्तों आप सभी को हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।